हेलो दोस्तों, टेक्नो राजन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियलमी के 5 नए प्रोडक्ट्स के बारे में। आपको सभी के डिटेल्स बताने वाला हूँ। इससे पहले आपको बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे लीक्स और रूमर्स आ रहे थे, जो एक लॉन्च इवेंट में हमें बस यही पता करना था कि ये इस प्रोडक्ट और एसोसीरीज़ की प्राइस क्या होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, रियलमी ने सभी प्रोडक्ट्स और एसोसीरीज़ की प्राइस बहुत ही एग्रेसिव रखी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं रियलमी बड्स एयर नियो के बारे में। ये जो दोस्तों रियलमी बड्स एयर का लाइटर वर्जन है, इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट को हटा दिया गया। उतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको रियलमी बड्स एयर के कंपैरिजन में आपको बड़ा ड्राइवर देखने को मिलता है। इसमें हमें 13 mm का ड्राइवर देखने को मिलता है। इससे हमें म्यूज़िक की क्वालिटी भी और भी अच्छी देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें इंस्टेंट ऑटो कनेक्शन, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 देखने को मिलता है, 17 hour का प्लेबैक टाइम, इंटेलिजेंट टच कंट्रोल और सुपर लो लेटेंसी गेमिंग मोड मिलती है, जिसके कारण हम दोस्तों हमें गेमिंग करते वक्त जो नॉइस होती है या वॉइस होती है उस हमें जल्दी सुनाई देगी, इससे हमें देरी नहीं होगी। इसमें हमें बैटरी एक बार फुल चार्ज होने पर 17 hour का बैटरी लाइफ देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। अब बात करें रियलमी बड्स एयर नियो के प्राइस की, तो इसकी प्राइस 2,999 rupees है, जो रियलमी बड्स एयर से 1,000 rupees कम है। और दोस्तों, इसमें आपको फीचर्स भी एक दो फीचर्स कम मिलते हैं, तो ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी TWS ईयरफोन हो सकते हैं। इसके बाद बात करें रियलमी के दूसरे प्रोडक्ट की, और रियलमी ने रियलमी पावर बैंक 2 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इसमें आपको दोस्तों USB A टाइप के 18 watt का आउटपुट चार्जर, टाइप सी पोर्ट्स के 18 watt के इनपुट और आउटपुट चार्जर, इंडिकेटर लाइट और पावर बटन दिया हुआ है। इसके अलावा आपको मल्टी डिवाइस क्विक चार्ज का सपोर्ट, 13-layer सर्किट प्रोटेक्शन और 10,000 mAh की बैटरी दी हुई है। और इसकी प्राइस रखी है दोस्तों रियलमी ने 999 rupees, जो मुझे लगता है कि लगभग 100-200 rupees कम किया जा सकता था। इसके बाद बात करते हैं रियलमी वॉच की, तो इसमें आपको दोस्तों 1.4 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो बजट सेगमेंट में सबसे बड़ी स्क्रीन है जो रियलमी ने प्रोवाइड की है। इसमें हमें कर्व ग्लास देखने को मिलता है, इसमें हमें हार्ट रेट सेंसर तो है ही दोस्तों, साथ ही में आपको SpO2 नाम का, जो बेसिकली आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है उसकी जानकारी देता है, और ये अभी COVID-19 के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छी है, इसमें हमें 318 nits का ब्राइटनेस देखने को मिलता है, और साथ ही हमें 323 PPI डेंसिटी वाले डिस्प्ले, जिसके कारण आपको इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगहों पर यूज़ कर सकते हो, आपको डिस्प्ले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। और इसके अलावा इसमें आपको IP68 रेटिंग देखने को भी मिल जाती है। इसमें आपको 4 colors के स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ब्लैक, ब्लू, रेड और ग्रे कलर का स्ट्रैप देखने को मिलता है। तो ओवरऑल फीचर्स के मामले में रियलमी स्मार्ट वॉच आपको बहुत ही बढ़िया देखने को मिलते हैं, और इसके प्राइस भी आपको अदर स्मार्ट वॉच के कंपेयर में कम देखने को मिलती है। आपको इसके प्राइस 3,999 rupees की मिलती है, जो मुझे लगता था कि ये स्मार्ट वॉच एटलीस्ट 5,000 rupees तक आएगी, लेकिन रियलमी ने इसे काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस किया है। इसके बाद बात करते हैं रियलमी स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियलमी स्मार्ट टीवी आपको दो अलग अलग वेरिएंट में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 32 inch का टीवी और 43 inch का टीवी देखने को मिलता है। इसके फीचर्स बताने से पहले दोस्तों, मैं आपको इसके प्राइस बता दूँ। 32 inch का टीवी आपको 12,999 rupees का मिलता है, जबकि 43 inch का टीवी आपको 21,999 rupees का मिलता है। दोस्तों, इसे रियलमी ने काफ़ी एग्रेसिवली प्राइस किया है, जो सोनी या अदर टीवी के कंपनीज़ हैं उससे लगभग आपको 1,000 या 2,000 rupees कम पे करने पड़ते हैं। अब बात करें 32 inch वाली स्मार्ट टीवी की, तो इसमें हमें HD रेडी के डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि 43 inch वाले टीवी में आपको फुल HD का सपोर्ट देखने को मिलता है, और दोनों ही टीवी में आपको क्रोम कास्ट बिल्ट इन देखने को मिलता है। इसमें सर्टिफाइड एंड्रॉयड टीवी है, इसमें आप प्ले स्टोर एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप अपने टीवी में ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसमें आपको 24 watt के स्पीकर हैं, जिसमें आपको 4 speaker देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही में हमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है।
दोनों ही स्मार्ट टीवी में आपको 1 GB रैम और 8 GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। इसके साथ में आपको मीडिया टेक का क्वाड कोर प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसके फीचर्स देखने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। इसके फीचर्स को देखकर लगता है कि इसके प्राइस बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों जैसे कि रियलमी अपने हर लॉन्च इवेंट में कुछ सरप्राइज देता है दोस्तों, ऐसे ही इस इवेंट में रियलमी ने अपने 100 वॉट के साउंड बार को टीज कर दिया है और इसमें बताया गया है कि इसमें आपको 5 स्पीकर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों एक ये बहुत ही बढ़िया ऑडियो सिस्टम हो सकता है। जैसे ही इसके डिटेल्स बाहर आते हैं हम आपको अपने चैनल पर अपडेट दे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना शेयर करना ना भूलें और साथ ही में आपका कोई भी सुझाव या सवाल हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।